हे कोडर्स, व्हाट्स अप, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो अब हम लोग क्रिएट अप करने वाले हैं अपना आगे का काम, जो कि अपना वेब पेज था उसी को अब कंटिन्यू करेंगे और बनाएंगे हम लोग होम पेज। ओके, तो होम पेज बनाने के लिए सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं सारे स्टेप्स आप लोगों को बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम लोग को भाई अपना वापस से CSS वाला फोल्डर को ओपन अप कर लेना है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया मैंने एंड ये ओपन हो गया। एंड यहाँ पे जो हम लोग की जो वेबसाइट थी, जो कि नेम हम मैंने सेव किया था फर्स्ट वेबसाइट, उसको क्लिक करना है, एंटर करना है और राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड। ओके, सो अब ये ओपन अप हो रहा है। सो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा टाइम देंगे चलने को। ओके, सो अभी इसको ओपन एंड ब्राउज़र कर लेंगे तुरंत। ओके, ओपन एंड ब्राउज़र करेंगे तो ये थोड़ी सी बस टाइम लेगा ओपन होने में। एंड एज यू कैन सी, लास्ट टाइम हम लोग यहीं पर थे, यहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था, नैप बार बना के छोड़ दिया था। अब एक एक करके पहले होम बनाएंगे, देन अबाउट बनाएंगे, देन कॉन्टैक्टस बनाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले होम के पेज के बारे में बनाते हैं, होम जिसके बारे में रहने वाला है। जब भी हम लोग इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो एज यू कैन सी एक कैसा एक बहुत ग्लॉस इफेक्ट आ रहा है। तो इस ग्लॉस इफेक्ट के लिए तुम लोग पिछला वीडियो देख सकते हो, जिन लोग ने भाई जो लोग नए नए हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड हम लोग इसका ब्लैक था, तो अभी बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो कि एक RGB इफेक्ट देने वाले हैं। बैकग्राउंड में हम लोग RGB इफेक्ट देंगे, जो कि तुम्हारा रेड रहेगा अराउंड 219, हाँ 219 रखते हैं। ग्रीन तुम्हारा रहेगा अराउंड, ग्रीन मेरा रहना चाहिए अराउंड 2110, और ब्लू जो है वो मेरा रहना चाहिए अराउंड 2110, ठीक है। अब वापस हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट पे एंड एज यू कैन सी जो बैकग्राउंड है हम लोग के वेबसाइट का वो चेंज हो गया पूरा, ठीक है। और बैकग्राउंड थोड़ा ठीक भी लग रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहा था, तो उससे तो काफ़ी ठीक लग रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को अब आगे का काम अपना बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले HTML पे आएंगे और अभी हम लोग यहाँ पे एक मेन नाम से एक फाइल बनाएंगे, फिर फाइल नेम मेन नाम से एक टैग बनाएंगे। जैसे हेडर का एक टैग बनाया था वैसे ही अब मेन नाम से एक टैग बनाएंगे, जिसमें अपने पूरे बॉडी के मेन कॉन्टेंट रहेंगे, ठीक है। पूरे अपने बॉडी के मेन कॉन्टेंट रहने वाले हैं लाइक दिस, ठीक है। अब मेन के अंदर अब हम लोग बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बनाने वाले हैं, जैसे कि तुम्हारे अलग अलग कार्ड्स हो गए, जैसे एक हेडिंग हो गई, देन कार्ड्स हो गया। तो मेन के अंदर सबसे पहले एक होम नाम से एक और टैग बनाएंगे। अब उस होम के अंदर हम लोग एक डिव डॉट होम क्लास पास करने वाले हैं, ठीक है। अब इस डिव डॉट होम में भाई अब सिंपली क्या करेंगे, एक ID भी पास कर देंगे, जिसको होमीज नाम से देते हैं, वो ज़्यादा सही पड़ेगा, क्योंकि अगर सेम नाम दिए तो थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस डिव के अंदर एक और डिव पास करेंगे, जो कि होने वाला है हेड, ठीक है। अब उसके अंदर हम लोग H1 को पास करने वाले हैं। H1 हम लोग लिखेंगे वेलकम टू दी मैक्स्टर्स गेम, ओके। तुम लोग अपना भी नाम दे सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि भाई मैक्स्टर्स गेम ही देना है, ठीक है। तुम लोग को अगर अपना नाम देना तो अपना नाम दे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक। चलो ये चीज़ हो गया, ये हो गया हम लोग का हेडिंग। तो हेडिंग तो ये इतना हो गया हम लोग का यहाँ पे। अभी हम लोग और क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड कर सकते हैं, एक हम लोग डिव और ऐड करेंगे, जो कि होने वाला है अबाउट इट। अबाउट इट ये नहीं, अबाउट इट मतलब अबाउट सेक्शन नहीं है ये, मतलब एक जो हेडिंग जो हमने पास की उसी का एक पैराग्राफ हो गया। मतलब ये जो होम का जो दिखा रहा है पेज, होम पेज है, ये क्यों बना है, ठीक है। ये होम पेज का रीज़न क्या है, या फिर इस वेबसाइट का पैराग्राफ क्या होने वाला है। तो इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ पास ऑन करेंगे, उस पैराग्राफ को एक काम कर ले रहे हैं, मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, तुम लोग भी GitHub से जाके कॉपी कर लेना ये सब पैराग्राफ को, ठीक है। ये सब सारे जितने पैराग्राफ्स हैं इन सबको कॉपी अप कर लेना। मैं GitHub की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है, मेरे रिपोजिटरी की। तुम लोग वहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो या अपना कस्टम टेक्स्ट भी दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें अपने हिसाब से कोई टेक्स्ट देना है तुम अपने हिसाब से कोई टेक्स्ट दे दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अभी हम लोग वापस से आते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर ली हैं, ठीक है। अभी इतनी चीज़ें तो हो गई, चलो ठीक है, समझ में आ गई। इतनी चीज़ें तो भाई बेस्ट लग रही है, दीज ऑल आर लुकिंग गुड, ओके। सो अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ हम लोग अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब एक और डिप पास करते हैं और इसको अब देते हैं रोटेट।
अब रोटेटरी नाम से क्लास पास करते हैं। इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग कार्ड वाले सेक्शन को पास करेंगे। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होने वाला है कि ये होम पेज में हम लोग गेम के कुछ बहुत ढेर सारे कार्ड्स दिखाएंगे, ठीक है। गेम कार्ड का मतलब ये नहीं कि वो ताश पत्ते वाला, इस यहाँ पे कार्ड का मतलब हो गया कि एक बॉक्स टाइप दिखाएंगे जिसमें कि उस गेम की इमेज आएगी, जैसा अभी मैंने कुछ देर पहले दिखाया था। तो इस रोटेटरी के अंदर एक डिव एक कार्ड पास करना है, एक क्लास कार्ड, और उस क्लास कार्ड के अंदर, कार्ड की क्लास के अंदर एक और अनदर नाम से एक क्लास को पास करना है, ठीक है। अब उसके अंदर एक img पास करेंगे हम लोग। img पास करने के बाद एक डिव डॉट नेम देंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग एक h4 देंगे। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, इतना ढेर सारे क्लासेस एड ऑन किए, बट देखो अभी मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही करो। फिर उसके बाद इसको एक बार रीड करना, तो जब तुम रीड करोगे ना तब तुम्हें और अच्छे से पता चलेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम लोग अलग अलग इसमें कह सकते हो कि अलग अलग इमेजेस को लेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिंक्स को ऐड ऑन किया हुआ है इमेजेस की, जो ऑनलाइन कुछ लिंक्स होती हैं उन सबको प्ले स्टेशन से ऐड ऑन कर लिया था, एंड ये ऐड भी है तुम्हारे गिटहब पे, तो तुम लोग यहाँ से उठा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले लिंक को पेस्ट किया, तो एक है ये गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी इसको पूरा शेप में लाना है, ये भी पूरे शेप और स्ट्रक्चर में नहीं है, यहाँ पे हम h4 में ऐड ऑन कर देते हैं गॉड ऑफ वॉर, ठीक है। गॉड ऑफ वॉर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो जब गॉड ऑफ वॉर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, नीचे गॉड ऑफ वॉर, ऊपर गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक की इमेज। तो अभी देखो ये ठीक तो है, बट अभी अच्छी तरह से ये कह सकते हो कि डिज़ाइन स्टाइल नहीं है, तो अब इसको स्टाइल करने जाते हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोग ने पास की थी, और हाँ पहले ही मैं बता दूं ये अभी मीडिया क्वेरी से रिलेटेड नहीं है ये होम पेज, इसको बनाना पड़ेगा मीडिया क्वेरी से रिलेटेड, या मीडिया क्वेरी के जितना इसको बनाना पड़ेगा, तो वो बनाने के लिए भी भाई हम लोग ट्राई करेंगे बनाने का। तो अभी फिलहाल जो भी कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या होने वाला है, ये यहाँ पे टेक्स्ट हो गया और ये हेडिंग, पहले इन दोनों को हम लोग डिज़ाइन अप करते हैं। तो इन दोनों को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इनकी क्लासेस को टारगेट करेंगे। सबसे पहले जो मेन जो सेलेक्टर है अपना, जो सेलेक्टर है, जो हेड सेलेक्टर है जो कि है मेन, ठीक है, उस मेन पे आते हैं, एंड उस मेन पे हम लोग सबसे पहले मार्जिन ऐड ऑन करेंगे। मार्जिन जो कि रहेगा अराउंड 5 पिक्सल्स, 5 पिक्सल और 0 पिक्सल, 5 पिक्सल फ्रॉम टॉप बॉटम, 0 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट। फिर वह पैडिंग ऐड करेंगे 3 पिक्सल की। देन उसके बाद क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, देन उसके बाद आई थिंक हम लोग को ऐड करना चाहिए डिस्प्ले, डिस्प्ले हम लोग को देना चाहिए इसमें फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट हम लोग कर देते हैं सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी हम लोग कर देंगे सेंटर, ठीक है। जितना भी आइटम्स हैं उन सबको सेंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन अलाइन आइटम सेंटर करने से पहले कोई और चीज़ है जो कि ऐड ऑन करना है मुझे, नहीं अभी तक तो नहीं करना। तो अलाइन आइटम्स को हम लोग कर दे रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। तो अभी तो देखो कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा, अभी कोई एक इफेक्ट अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी देखो ना सिर्फ मार्जिन पैडिंग में थोड़ा बहुत ऑल्टर हुआ होगा, बट फ्लेक्स प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई है। बट यहाँ पे देखो क्या है सीन की, यहाँ पे मेन के अंदर एक डिव और पास है, एक होम होम नाम से एक भाई तुम्हारा टैग पास है, उसके अंदर एक और डिव पास है। तो इतना जब डिव पास होता है ना, तो क्या होता है कि ये ऑलरेडी मतलब फ्लेक्स तो बन जाता है, ये बाहर प्रॉपर्टी तो फ्लेक्स शो करता है, बट अंदर से ये फ्लेक्स नहीं हो पाता। तो अंदर से होने के लिए इसके हमें चाइल्ड एलिमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टारगेट किया डॉट हेड, जो कि मैंने यहाँ पे एक क्लास दिया हुआ था डॉट हेड नाम से, एज यू कैन सी इस मेन के अंदर मैंने दिया है डॉट हेड, ठीक है। तो डॉट हेड को मैंने पास ऑन किया, डॉट हेड पर मैं टारगेट किया, डॉट हेड के अंदर जो h1 है, h1 यानी जो हेडिंग है मेरी, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। हेडिंग क्या है मेरी, वेलकम टू मैक्स्टर्स गेम, ठीक है। अब उसको टारगेट करके मैं फॉन्ट साइज पहले रख दे रहा हूँ थोड़ा सा, इसको कह सकते हो 49 पिक्सल तक, फॉन्ट्स इसको 49 पिक्सल तक रख दे रहा हूँ, एंड देन 49 पिक्सल रखूँ कि इसमें थोड़ा सा रुको चेंज ऑल्ट्रेशन करता हूँ अभी। अभी देखो फिलहाल मैं वेलकम टू मैक्सटर्स गेम ऐसा दिख रहा है, तो अभी इसको एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, अभी ये चीज़ नहीं करते हैं अभी इसमें ना, इसके पहले हम फॉन्ट को चेंज करते हैं। तो उसका फॉन्ट को चेंज मुझे करना है, एक दूसरे फॉन्ट में लाना है, यानी एक कार्टूनिस्टिक टाइप फॉन्ट लाना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा गूगल फॉन्ट के ऊपर, एंड गूगल फॉन्ट के ऊपर मैं जाने के बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक सर्च करते हैं कलर वाली फॉन्ट। तो कलर वाली फॉन्ट देखो कौन सी उसके, तो हाँ ये रहा, ये जो फॉन्ट थी मेरी कलर वाली, इसको मैंने यूज़ किया था जो कि हॉन्क नाम से है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर एकदम गेट फॉन्ट पे क्लिक करूँगा मैं, गेट फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड दिया है, उस पर भी क्लिक करना है।
देन वहाँ पे इम्पोर्ट पे जाने के बाद ये जो स्टाइल के बीच में जो दिख रहा है इम्पोर्ट की वर्ल, इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करके एकदम टॉप पे आके इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर देना, ठीक है, कि ज़्यादा सही से समझ में आता है। ये वाले सेक्शन को थोड़ा स्लो कर देना, क्योंकि आई नो ये वाला सेक्शन थोड़ा फास्ट हो रहा है। ठीक है, रीज़न है कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, उस समय मैंने रिकॉर्डिंग की थी बट वॉइस की क्वालिटी बहुत ख़राब आई, तो अभी फिर से वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे फॉन्ट तुरंत चेंज हो गया और जितना स्टाइल्स था, प्रॉपर्टीज था, उन सबको कॉपी अप कर लिया। ठीक है, तुम्हें भी इसी तरह से करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर लग सकता है तो थोड़ा सा बैकवर्ड करके वीडियो को देख लेना और थोड़ा स्लो पे देख लेना, फिर बाद में तुम फास्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग अभी क्या करना है हम लोग को, अब सारी चीज़ों को बीच में भी लाना है। तो सारी चीज़ों को बीच में किस तरह से लाएंगे, अभी रुको थोड़ा सा और कोई चेंजमेंट करना है, रुको मैं देख लूँ थोड़ा, ये सही है ना? हाँ, दिख तो रहा है सही, कोई प्रॉब्लम तो फिलहाल नहीं दिख रहा। अभी इसको सारी चीज़ों को बीच में लाना है, तो बीच में लाने के लिए आई थिंक मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसके हेड को टारगेट करना चाहिए। हेड को कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि जो पेरेंट एलिमेंट है उसको मुझे टारगेट करना चाहिए। तो उसको मैं टारगेट करना चलता हूँ, और उसको सबसे पहले फॉन्ट्स, यस फॉन्ट तो ठीक है यार, बार बार हो रहा है कि फॉन्ट एक बार देख लो। हाँ चलो, अभी एक काम करते हैं, उसके पेरेंट एलिमेंट को मैं टारगेट करता हूँ। तो पेरेंट एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, जो देखो इसका जो पेरेंट एलिमेंट है ये, ठीक है, इसके अंदर अबाउट इट दिया हुआ है, इसके अंदर H1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे डिस्प्ले करना है फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स कर लूँगा तुरंत, तो जैसे ही फ्लेक्स किया एज यू कैन सी यहाँ पे सारी चीज़ें इनलाइन हो गई है। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट थिंग क्या कर सकता हूँ कि मैं वही फ्लेक्स जो है डायरेक्शन, फ्लेक्स रैपिंग जो है उसको मैं रैप कर देता हूँ, तो रैप कर दूंगा तो वापस सारी चीज़ें रैप अप हो गई हैं। ठीक है, जैसे रैप अप होनी चाहिए, रैप हो गई हैं। एंड देन नाउ जस्टिफाई मैं करता हूँ, कंटेंट जितना है वो सेंटर में करूँगा और अलाइन आइटम कर दूंगा सेंटर में। ठीक है, तो अभी मैं देखूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे सारी चीज़ें सेंटर अप में आ गई हैं, सेंटर में सारी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, जैसा हम देखना चाहते थे। इसकी फॉन्ट साइज थोड़ी सी कम लग रही है, बट आई थिंक ठीक है, बट चाहूँ तो मैं बढ़ा भी सकता हूँ इसकी फॉन्ट साइज़। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसकी मैं फॉन्ट साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, हल्की सी मैं इसकी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ अप कर दे रहा हूँ, अराउंड कर देता हूँ मैं 49 पिक्सल्स तक जितना था। हाँ, तो एज़ यू कैन सी नाउ कि ये अब ज़्यादा बेटर दिख रहा है कंपेयर टू अर्लियर वन। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गया डिज़ाइन, अब इसके हम लोग पैराग्राफ को डिज़ाइन करेंगे। अब इसके हम लोग पैराग्राफ को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ को डिज़ाइन अप करने के लिए भाई सिंपली वही सेम चीज़ करना है, टारगेट करना है सारे क्लासेस और सारे पैराग्राफ और सारे टैग्स को। तो सबसे पहले जो क्लास था अबाउट इट, तो लिखेंगे डॉट अबाउट इट, रुक जाओ एक मिनट, हाँ डॉट अबाउट इट। देखो तुम एक काम कर लो, क्लास को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लो, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो प्रॉब्लम होने लगेगा, डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर लो। तो यहाँ पे आया, बैकग्राउंड पे आया मैं, बैकग्राउंड कलर इसका रेड कर दिया, एंड यहाँ पे जो कलर है इसका वो कलर को मैं कर दिया वाइट। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे चेंजमेंट दिख रहा है, बट अभी इसका जो पैडिंग है वो थोड़ा सा और मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, चाहता हूँ कि जो इसकी जो अंदर से जो एलिमेंट है वहाँ पे स्पेसेस आ जाए। ठीक है, फिर पैडिंग 42 पिक्सल्स कर दे रहा हूँ। देन फॉन्ट साइज इसका मैं अराउंड कर देता हूँ, कुछ नहीं तो फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट को लार्ज बना दूँ ताकि भाई पढ़ने में आए। देन इसका फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट वो मैं 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स नहीं 500 तक कर दे रहा हूँ। फॉन्ट वेट क्या करता है, उसकी वेटनेस यानी उसकी बोल्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज यू कैन सी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो अभी भी उतना बेटर लुक यहाँ पे नहीं दे रहा है, बट हाँ चलो ठीक है यार, मतलब एक बेसिक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस हिसाब से तो ठीक ही है, उतना उतना बढ़िया नहीं है बट ओके। ठीक है, उतना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बट ओके। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब भी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरा कलर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डॉट सेलेक्शन प्रॉपर्टी को कर सकता हूँ, जो कि कोलन कोलन सेलेक्शन लिखना है मुझे। ठीक है, और यहाँ पे कलर मैं दे दूंगा वाइट, और यहाँ बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे दूंगा पर्पल। इससे देखो क्या होगा ना, जब भी मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो एज यू कैन सी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो पर्पल में हो रहा है, और जो टेक्स्ट है वो वाइट में हो रहा है। अभी कुछ देर पहले दूसरा कलर था, ठीक है, कुछ देर पहले दूसरा कलर दे रहा था सेलेक्शन में। इस तरह से तुम अपना कस्टम सेलेक्शन क्रिएट अप कर सकते हो। ठीक
ठीक है, जो कि बहुत ही कूल लुक देता है जब भी कोई वेबसाइट पर विजिट करता है और कोई टेक्स्ट को सेलेक्ट अप करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोग का कार्ड वाला सेक्शन। कार्ड यानी कि जो इमेजेस हैं उन सब का, जो एक गेम्स का जो कार्ड या कलेक्शन कह सकते हो, गेम्स के बॉक्सेस, अब वो आता है। तो उसके लिए भाई देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो क्लास है अपने रोटेटरी नाम से, उसको टारगेट करेंगे। तो रोटेटरी क्लास को हम लोग टारगेट करेंगे सबसे पहले। तो डॉट रोटेटरी हम लोग टारगेट किए, एंड यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, एंड देन अगेन पैडिंग हम लोग कर देंगे अराउंड कह सकते हो कि 10 पिक्सल्स, एंड देन मार्जिन हम लोग कर देंगे अराउंड 0 पिक्सल, एंड देन 20 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, एंड देन गैप हम लोग इसमें थोड़ा सा क्रिएटअप कर देंगे जो कि अराउंड रहेगा 23 पिक्सल्स का। यानी जब भी हम लोग जो नेक्स्ट इमेज हम लोग इसके बाद लेंगे, तो वो जो नेक्स्ट इमेज रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें और इस इमेज में दोनों में गैप रहेगा, थोड़ा बहुत गैप बना हुआ रहेगा, तभी भाई थोड़ा अच्छा दिखेगा ना। अभी देखो अभी क्या हो रहा है ना, उतना अच्छे से ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सारी प्रॉपर्टी अप्लाई तो कर दी और अप्लाई हो भी गई है प्रॉपर्टी, बट अभी इसमें नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि भाई अभी हमने इमेज को टारगेट किया है नहीं, अभी हम जो टारगेट कर रहे हैं वो हम बॉक्सेस को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ना, मुझे सबसे पहले यहाँ पे, हाँ अब देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मुझे ना यहाँ पे आना पड़ेगा पहले डॉट कार्ड पे। ठीक है, डॉट कार्ड पे पहले मैं आता हूँ और कुछ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई अप कर ले रहा हूँ, उसके बाद इमेज को हटाता हूँ। तो डॉट कार्ड पे जो मेरी हाइट है, हाइट को मैं कर देता हूँ 300 पिक्सल्स तक। ठीक है, सेट कर लिए 300 पिक्सल, एंड देन जो फ्लेक्स का जो रैपिंग है उसको कर देता हूँ रैप। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट थिंग कि मैं क्या कर सकता हूँ उस कार्ड में। अगर मैं देखने जाऊँ तो इस कार्ड में मैं नेक्स्ट थिंग और क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। इसमें देखो क्या है कि इस कार्ड के अंदर एक अनदर है, अनदर में IMG है, IMG में फिर एक डिव नेम है। तो अभी इसको कर लेता हूँ नीचे करके कॉपी। ठीक है, इसे क्या होगा, दो इमेजेस दिख रही है एज यू कैन सी, जैसे मैंने बताया था, और दोनों सेम है। ठीक है, अब फर्स्ट वाली इमेज का नेम नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, फर्स्ट वाली इमेज का नेम आ ही नहीं रहा है। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ को और ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले पहले हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जो डिस्प्ले है उसको हम लोग फ्लेक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इसको डिस्प्ले के टॉप पे रखते हैं थोड़ा, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन भी, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी जो विड्थ है उसको हम लोग सेट कर देते हैं 100%। इसकी पूरी विड्थ है जो इमेज है उसकी पूरी विड्थ, ये जो कार्ड है उसकी पूरी विड्थ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो पैडिंग है हम लोग का, जो पैडिंग है उसको हम लोग थोड़ा सा सेट कर सकते हैं 10 पिक्सल्स तक, कि अंदर जो स्पेसेस हैं वो थोड़ी सी क्रिएटअप हो जाए। 10 पिक्सल्स हम लोग टॉप बॉटम से करेंगे, 5 पिक्सल्स लेफ्ट राइट से। अब जो बॉर्डर रेडियस हम लोग का, बॉर्डर रेडियस को हम लोग कर दे रहे हैं अराउंड 23 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस 23 पिक्सल्स कर दे रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग क्या कर सकते हैं भाई, अभी रुको देखना पड़ेगा थोड़ा। नेक्स्ट थिंग अभी क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बैकग्राउंड कलर को हम लोग ऐड ऑन कर दे रहे हैं। बैकग्राउंड कलर जो कि होने वाला है समथिंग, बट बैकग्राउंड कलर से पहले हम लोग इसमें बॉर्डर को ऐड करते हैं। बॉर्डर जो कि होने वाला है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो अभी तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो इमेज है वो पहले दिख रही है, तो इमेज को भी हटा दे रहे हैं। तो देखो कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, रुको दोनों इमेज को हटा दें। देखो कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, ऊपर इमेज रहेगी नीचे टेक्स्ट रहेगा। तो अभी देखो इमेज तो हटा दी, इस वजह से टेक्स्ट अभी दिख नहीं रहा, अभी टेक्स्ट भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो कि ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, दो पतली लाइन्स दिख रही है, बट जब इमेज जब इस पर ऐड होगा ना तो अपने आप ये स्ट्रेचअप हो जाता है। ठीक है, अपने आप ये स्ट्रेचअप हो जाएगा। तो अभी देखो ये कुछ इस तरह से लाइंस दिख रही है। तो अभी हम लोग एक एक करके इन सब के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसी में कार्ड में, कार्ड में प्रॉपर्टी सारी चेकअप कर लेते हैं कि सारी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं। तो ठीक दिख रही है। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं, नेक्स्ट हम लोग आई थिंक ऐड करना चाहिए इसको हमें ट्रांजिशन, ट्रांजिशन हमें इसका ऐड करना चाहिए इज इन आउट, जो कि होने वाला है 0.3 सेकेंड्स का, 0.3 सेकेंड्स का। देखो क्या होगा, जब भी हवर अप करेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा एक एनिमेशन के साथ। फिर इसकी बैकग्राउंड कलर अभी हम ऐड करते हैं लाइट ब्लू। तो एज यू कैन सी दोनों में लाइट ब्लू दिखा रहा है बैकग्राउंड कलर, दोनों में बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दिखा रहा है। ठीक है, दोनों में लाइट ब्लू दिखा ही रहा है। तो अब इसको भाई आई थिंक यहाँ तक काम हो गया मेरा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डॉट अनदर में जाते हैं। डॉट अनदर भाई जो इस कार्ड के अंदर की जो चाइल्ड क्लास थी वहाँ पे आते हैं, डॉट अनदर में आते हैं। और डॉट अनदर के अंदर हम लोग अब कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे, जैसे हाइट सेट कर देंगे 100%, और जो जस्टिफाई
कंटेंट है उसे हम लोग कर देंगे सेंटर, और जो अलाइन आइटम्स है उसको भी हम लोग कर देंगे सेंटर, ठीक है, अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देंगे। एंड देन जो विड्थ है, विड्थ हम लोग 100% रखते हैं। देखो हाइट में कुछ ऑल्ट्रेशन शायद हो सकता है, अभी नहीं बट आगे शायद ऑल्ट्रेशन कुछ हो हाइट में। तो अभी इमेज को वापस शो करते हैं, तो एज यू कैन सी इमेज तो बहुत बड़ी दिख रही है अभी, बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है इमेज। तो इस इमेज को भाई वापस फिट करना है। देखो विड्थ क्या है, विड्थ तो पूरी मैनेज हो जा रही है बट हाइट में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, विड्थ हम लोग ये जो इमेज है इसको हम लोग अभी मैनेज मैनेज आउट करते हैं। तो इस इमेज को हम लोग किस तरह से भाई फिट करेंगे इसके अंदर, तो इमेज को फिट करने के लिए भाई अपने सीएसएस में जाएंगे। सीएसएस में हम लोग यहाँ पे आएंगे डॉट अनदर पे, हम लोग आईएमजी को टारगेट करेंगे, मतलब अब पर्टिकुलर इमेज को टारगेट ऑन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हाइट हम लोग देते हैं इसका 70% अराउंड। अभी मैंने बोला था ना हाइट इसकी थोड़ी कम ज़्यादा होगी, देन यह जो बॉर्डर है इसका वो हम लोग बॉर्डर रेडियस जो है वो हम लोग इसका अराउंड 23 पिक्सल्स रख देते हैं। एंड देन जो इसकी विड्थ है वो हम लोग सिंपली 100% रखते हैं जितनी है, क्योंकि विड्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और जो ऑब्जेक्ट फिट है उसको हम लोग कंटेन रखते हैं, बट आई थिंक दैट ऑब्जेक्ट फिट का अभी काम नहीं होने वाला है यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें H4 को भी ऐड ऑन करते हैं। अभी अगर थोड़ी अगर चेंजमेंट करना होगा तो अभी कर देंगे चेंजमेंट, क्योंकि देख रहे हैं कि वो ऐड करने से, ऑब्जेक्ट फिट ऐड करने से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी देखते हैं उसको। तो अभी सबसे पहले H4 पे आते हैं, जो डॉट अनदर का जो H4 जो एलिमेंट था उस पे आते हैं। यहाँ पे क्लिक अप करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं वापस से तुम्हारा डॉट अनदर, डॉट अनदर के डॉट नेम कर देंगे। नेम क्यों करेंगे, क्योंकि देखो अनदर के अंदर एक नेम क्लास है, ठीक है, तो नेम क्लास को टारगेट करते हैं, ठीक है। तुम अनदर और नेम दे सकते हो, अनदर डॉट नेम डॉट अनदर डॉट नेम भी दे सकते हो, या फिर अनदर H4 भी दे सकते हो, बट डॉट नेम ज़्यादा सही पड़ेगा। अब इस डॉट नेम के अंदर पैडिंग ऐड ऑन करेंगे 10 पिक्सल 0 पिक्सल्स की, डिस्प्ले ऐड करेंगे फ्लेक्स, और जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा आई थिंक 20 पिक्सल्स तक कर देना चाहिए, जो कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जो कि एज यू कैन सी थोड़ा ठीक पड़ा रहा है, सही बेटर दिख रहा है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हम लोग ऐड करेंगे जो कि होने वाला है फॉन्ट की फैमिली। फॉन्ट की फैमिली हम लोग एक काम करते हैं कि फॉन्ट की फैमिली लैटो रखते हैं, और लैटो तो अभी चेंज होगा नहीं, तो अभी देखो इस लैटो को भी इम्पोर्ट अप करना पड़ेगा, ठीक है, लैटो को भी इम्पोर्ट अप करना पड़ेगा। तो कहाँ से करेंगे, वहीं गूगल फॉन्ट से करेंगे जहाँ से हम लोग अभी अपना हेडिंग वाले एलिमेंट का फॉन्ट चेंज किए थे। तो वापस से तुम्हें ना क्या करना है, आ जाना है तुम्हें अपने गूगल फॉन्ट पे, या गूगल फॉन्ट पे क्या हो, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, गूगल फॉन्ट पे आने से पहले एक काम कर सकते हैं, अपने गिटहब पे आएंगे। गिटहब पे आने के बाद सिंपली मैं अपने सीएसएस वाले पे जाता हूँ। सीएसएस वाले फोल्डर पे जाने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी, ठीक है, जो इम्पोर्ट वाला सेक्शन है उसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो एज यू कैन सी यहाँ पे डायरेक्टली लैटो जो है वो आ गया है, और यू कैन सी इसका फॉन्ट चेंज हो गया। देखो तुम लोग ना मेरे रिपोजिटरी को एक्सेस कर लेना, क्योंकि सबसे पहले क्या करना, रिपोजिटरी को ही एक्सेस करना, ठीक है, सबसे पहले अपने पीसी के ऊपर रिपोजिटरी को ही एक्सेस करना। अगर एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना यहाँ पे नीचे कि सर दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। चलो खैर, अब फॉन्ट वेट अभी इसमें देते हैं जो कि होने वाला है 700, जो कि बोल्डनेस थोड़ी सी क्रिएटअप कर देगा। और यहाँ भी जो फॉन्ट की स्टाइल है वो नॉर्मल रखते हैं जितनी होनी चाहिए। फिर जस्टिफाई कंटेंट या जस्टिफाई कंटेंट जो भी है, जो भी इसको करेंगे हम लोग सेंटर पे, ठीक है, और अलाइन कर लेंगे सारे आइटम्स को भी सेंटर पे। तो अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई कैसा लग रहा है। और भाई एक मिनट, देखने से पहले हाइट इसकी एक बार सेट कर देते हैं 25%, और जो विड्थ है वो 100% पूरी रहने वाली है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे चेंजमेंट दिख रही है ऐसी। तो अभी इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन अभी इसमें करेंगे हम लोग। तो देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने बोला तो ऑब्जेक्ट फिट को हटा देंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट को हटा देंगे, तो एज यू कैन सी अब इमेज थोड़ी सी सही दिख रही है, ठीक है। हाँ आई नो बहुत स्ट्रेच हो गई है, बट इस स्ट्रेचनेस को भी हम सही कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसमें हम कार्ड का जो हाइट है और जो विड्थ है कार्ड का उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, बट अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम लोग और इमेजेस को ऐड करेंगे। तो जब इमेजेस को ऐड करेंगे ना, तब आप लोग देखना यहाँ पे चेंजमेंट होने वाला है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे कवर भी कर दिया है, तो कवर सही नहीं लग रहा है। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट फिट को हटा ही दो,
ऑब्जेक्ट फुट को हटा ही दे रहा है, ठीक है, इसका भी कोई काम लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो देखो अभी हम लोग आते हैं डॉट कार्ड पे। अब देखो क्या हम लोग को नेक्स्ट थिंग करना है कि जैसे ही हम लोग इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मतलब ओरिजिनल हाइट से बढ़ जाएगी और एक एनिमेशन का इफेक्ट देगा। और वेट जो है, वेट तो भाई 100% रहने ही वाला है, वेट, हाँ वेट तो भाई 100% होगा ही होगा। और जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा का बढ़ जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, जो पहले था उससे कम हो जाएगा। वो कर्सर पॉइंटर, कर्सर सेट कर देंगे पॉइंटर पे, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग देखें तो एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे ही भाई हम इस पे ऊपर हवर अप कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़ा हो गया, ठीक है, जैसे ही होवर कर रहे हैं ये बड़ा हो गया। तो अभी अब एक एक करके अब क्या करेंगे भाई, जो इमेजेस हैं देखो यहाँ तक स्टाइलिंग का काम हो गया, अब इमेजेस को ऐड करना है। तो एज यू कैन सी ये देखो जैसे ही हमने इमेज को ऐड किया वैसे ही वैसे क्या हुआ कि भाई देखो कि स्पेसेस अपने आप क्रिएट अप हो गए और इमेज जो है वो थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। तो यहाँ तक अपना सारा काम हो जाता है और अब कोई चीज़ अब चेंज नहीं कर लिया मेरे ख्याल से, अब कोई भी चीज़ें चेंज अप नहीं कर ली हैं। अब नेक्स्ट भाई उसी तरह से भाई यहाँ पे अब हम लोग कार्ड्स को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और जितने लिंक्स हैं एज यू कैन सी 7 लिंक है। तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो सेकंड इमेज है उसकी हम लोग जो सेकंड लिंक है उसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कर देते हैं सिंपली पेस्ट, ठीक है। पेस्ट अब कर देंगे तो एज यू कैन सी ये स्पाइडरमैन का दिख रहा है। और यहाँ पे H4 को भी करते हैं कॉमेंट आउट। कॉमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कि स्पाइडरमैन, मार्वल स्पाइडरमैन लिख दे रहे हैं, मार्वल स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, ठीक है, मार्वल स्पाइडरमैन ये लिख दिए। एज यू कैन सी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बट अभी क्या है ना, अभी उतना प्रॉपर लुक नहीं दे रहा। अभी मैं चाहता हूँ ना जैसा बैकग्राउंड है, जैसा इमेज का बैकग्राउंड है वैसा ही कार्ड का बैकग्राउंड हो जाए, और जो कलर है वो वाइट में या फिर उसके इन्वर्ट कलर में हो जाए कि बहुत ही एक कूल लुक दे। तो उसके लिए देखो अब क्या कर सकते हो कि तुम एनएथ चाइल्ड को तुम जाओ, एनएथ CSS में जाके एनएथ चाइल्ड सेलेक्टर पे जाओ, ये सिंपली तुम इनलाइन टैग्स का यूज़ कर सकते हो। मेरे ख्याल से इनलाइन यूज़ करोगे वो ज़्यादा सही पड़ेगा, इनलाइन ज़्यादा बेटर पड़ेगा रादर देन कि भाई तुम एक एक करके तुम सब पे तुम टारगेट किए जा रहे हो। इस डायरेक्टली यहाँ पे आओ, स्टाइल लिखो, स्टाइल पे बैकग्राउंड कलर दो, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी भाई देने के बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा ब्राउन, ठीक है। तो जैसे ही मैं ब्राउन यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे H4 मैं सेट ऑन कर देता हूँ, स्टाइल इसमें कलर जो है H4 का वो कर देता हूँ अराउंड आई थिंक वाइट, वाइट स्पेस नहीं सॉरी कलर जो है वो वाइट करना है, कलर को वाइट करना है। तो कलर पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैंने वाइट दे दिया था, यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी को पास ऑन करता हूँ, कलर इज इक्वल्स टू वाइट। तो एज यू कैन सी अब देखो एक कूल लुक दे रहा है, ठीक है, अब एक बहुत एक प्रॉपर लुक दे रहा है। अब इसी को क्या करना है, इस कार्ड को कॉपी कर लेना है, इस कार्ड को कर लेना है कॉपी। एज यू कैन सी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है डिव और जहाँ स्टार्ट हो रहा है, ये रहा इस तरह से, नहीं पहले इसका पूरा सेलेक्ट अप करना है, ठीक है, पूरा यहाँ पे ये नीचे तक जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, ठीक है, उसको कर लेना कॉपी। देखो कॉम्प्लेक्स अभी लग सकता है, जब तक तुम खुद से भाई कोई अपनी खुद की एक वेबसाइट नहीं बनाओगे ना तब तक ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है थोड़ा सा। तो इसको कर लेंगे कॉपी पेस्ट। और इसी तरह से और भी अराउंड 7 तक गया है मेरा, तो कितना हुआ, 1 2 3 हुआ, तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 अभी 4 और करना है, 1 से लेकर 3 तक हो गया, अब 4 और करना है यहाँ पे, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 एलिमेंट्स हो गए, 4 कार्ड्स बन गए, टोटल मिला के देखे तो 7 कार्ड्स बने, 7 कार्ड्स बने, ठीक है। तो 7 कार्ड्स ये बन गए, अब एक एक करके सब पे क्या करेंगे, सबका इमेज चेंज करेंगे और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चेंज करते रहेंगे। तो अभी एक पे दिखा रहा हूँ, देन वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड थोड़ी सी कर दूंगा कि टाइम थोड़ा बच जाए, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब एक एक करके सब पे चेंज करना है एलिमेंट्स और सबके इमेजेस और सबके नेम्स को चेंज करना है। तो थर्ड इमेज को करेंगे सबसे पहले कॉपी, थर्ड इमेज को कॉपी करने के बाद अपनी HTML पे आएंगे और एक काम करते हैं, सबसे पहले जो जो होता जा रहा है उन सबको क्लोज करते जा रहे हैं, जो जो कार्ड हो रहा है उन सबको क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आए इमेज पे, यहाँ पे आके इसको चेंज करते हैं वापस से, देन एज यू कैन सी यहाँ पे चेंज हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर भाई क्या है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा ब्लू टाइप में है, ब्लूइश टाइप में है। इस गेम का नाम था आई थिंक, मैं तो नाम भूल गया, रुको इस गेम का नाम रुको देखना पड़ेगा, राइज ऑफ रॉनिन आई थिंक, हाँ राइज ऑफ रॉनिन है इस गेम का नाम। और इसका जो कलर है वो है मेरा अराउंड ग्रीन, ग्रीन नहीं ग्रे सॉरी, बैकग्राउंड कलर जो है वो है मेरा ग्रे। और जो टेक्स्ट का जो कलर है जो कि मैंने वाइट सेट ऑन किया था वो है आई थिंक, वो ब्लैक रखूँ कि इसको ऐसे ही छोड़ दूँ तो को देखना पड़ेगा, आई थिंक दैट ग्रे वाइट पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है।
वाइट पे छोड़ दे रहे हैं। अब एक और टैग आता है भाई अपना, जो कि है नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट वाला जो अपना टैग टैग है ना, जो नेक्स्ट जो कार्ड है, अब उसकी भी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। अब इसमें फोर्थ इमेज को करूँगा कॉपी, जो फोर्थ इमेज है वहाँ से लिंक से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या, यहाँ पे मैं सिंपली कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे सिंपली, फिर से पेस्ट अप कर देता हूँ कुछ इस तरह से। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे ये घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा ये इस गेम का नाम है, घोस्ट ऑफ त्सुशिमा, 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 घोस्ट ऑफ त्सुशिमा इस गेम का नाम है। एंड इसका जो बैकग्राउंड रहने वाला है, वो बैकग्राउंड मैं क्या रख सकता हूँ, बैकग्राउंड इसका आई थिंक ग्रे या फिर इसका ब्राउन से रिलेटेड समथिंग, या फिर रुको रुको, इसका बैकग्राउंड ना मैं कर देता हूँ सिल्वर। ठीक है, एज यू कैन सी, क्योंकि इमेज का बैकग्राउंड भी थोड़ा सिल्वरिश टाइप है। देन इसका कर देता हूँ ब्लैक, जो कलर है इसका टेक्स्ट का वो ब्लैक कर देता हूँ। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह और सबको भी करता हूँ, एंड आप लोग भी इसी तरह से और सबको करते रहो। वीडियो यहाँ से मैं अभी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, सो ये रही सेवेंथ इमेज मेरी। तो इस सेवेंथ इमेज को अब मैं इस सेवेंथ इमेज के लिंक को मैं कर देता हूँ पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद एज यू कैन सी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका नाम था आई थिंक ग्रैंड ट्यूरिज्मो, इस गेम का नाम था। यहाँ पे लिखता हूँ ग्रैंड ट्यूरिज्मो, ग्रैंड ट्यूरिज्मो, ग्रैंड ट्यूरिज्मो। और इसका जो कलर है वो कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट कलर है और जो बैकग्राउंड कलर है इसको कर देना चाहिए मुझे ग्रे। तो एज यू कैन सी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अभी इन सारी इस टैग को भी अगर क्लोज कर दें तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है अपना इमेज, जो कि एक बहुत ही कूल इफेक्ट दे रहा है और बहुत ही बेस्ट इफेक्ट दे रहा है ये। ठीक है, ये रहा मेरा अभी तक का होम पेज। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ यहाँ पे क्रिएट अप कर लें इसको, और ट्राई कर लें खुद से भी इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐड ऑन कर लेगा। ठीक है, तो मेरे लिंक्डइन पेज को फॉलो कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैनल को भी सब्सक्राइब अप कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अबाउट सेक्शन को क्रिएट अप करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।